आप खुद जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी दिक्कतें देखती हैं, क्योंकि आप ही के परिवार के बहुत से लोग आपके खिलाफ हैं, चाहे रविंद्र जडेजा के पिताजी हो या आपकी ननद हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई, विजय रूपाणी उनमें से एक हैं, जिस जहां पर आप मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बहुत से लोगों को नेगेटिव पार्टी है सेंट्रल नेतृत्व से सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है पूरी पार्टी पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है, तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है जिससे देश के भविष्य के लिए राजनीतिक देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कितनी सीटें आप देखती हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है, और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़े नहीं कर पाई थी पूरा, हम दो तृतीयांश सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे, 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। घर ऑफिस और शोरूम रे बढ़ई काम इंटीरियर काम सीलिंग रंग एल्युमिनियम ग्लास और फर्नीचर काम पाई आज ही जोगाजोग करंतु मां फर्नीचर द्वारिका बिहार पटिया भुवनेश्वर 9438011434।